Hello kids, I am Diksha Bansal and you are watching Diksha Tutorials DB. Today we will discuss the worksheet of simple past tense. Earlier I have given you a full tutorials of simple present tense and simple past tense. If you want to watch those videos, I will give you link in the description box. Let's get started. Askar could hear the man thrash through the woods. तो अब यहाँ पर could के साथ वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हम यहाँ पर लगाएंगे भास्कर could hear. तो हम hear का hear ही यहाँ पर रहने देंगे. भास्कर could hear the man thrashing through the woods. भास्कर जंगल से आदमियों को के पिटने की आवाज़ सुन सकता था. तो could हमें क्या बताता है? could हमारी एबिलिटी हमें बताता है. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए ये आएगा भास्कर कुड, वो सुन सकता था, भास्कर सुन सकता था. ओके, नेक्स्ट आया ही स्क्रीम्ड लाउडली. स्क्रीम होता है चीखना, है जोर से चिल्लाया. स्क्रीम की सेकंड फॉर्म हम यूज करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा ही स्क्रीम्ड लाउडली. जस्ट देन द हॉन्टिंग विसल. हॉन्टिंग विसल मतलब डरावनी आवाज. तो तभी क्या हुआ? द हॉन्टिंग विसल ब्लो राइट नेक्स्ट टू हिम. तभी उसे एक डरावनी सीटी या डरावनी आवाज़ सुनाई दी अपने बगल में. तो यहाँ पर ब्लो का क्या आएगा? अब ये देखिए, हम यहाँ पर एक स्टोरी सुन रहे हैं. तो स्टोरी में मैंने आपको पहले बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्टोरीज में हम सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर ब्लो की सेकेंड फॉर्म हम यूज़ करेंगे ब्लू. तो जस्ट देन द हॉन्टिंग विसल ब्लू राइट नेक्स्ट टू हिम. The poachers, poachers होते हैं शिकारी. The poachers and भास्कर stand silent for a minute. तो यहाँ पर same again stand का भी यहाँ पर क्या आएगा? Second form stood. तो शिकारी और भास्कर stood silent, तो वो एक मिनट के लिए बिल्कुल silent होकर खड़े हो गए थे. The poachers run for their lives. तो अब जो poachers हैं उनको अपनी जान बचानी थी, तो फिर वो क्या हुआ? वो भाग गए. तो यहाँ पर रन का क्या आएगा? रैन, आर ए एन, रैन. द लॉन्ग विसल एंडेड. तो वो जो आवाज़ थी, जो डरावनी आवाज़, जो हॉन्टिंग विसल थी, वो बंद हो गई. एंड तो यहाँ पर आएगा एंडेड. पोचर्स हैड लेफ्ट. तो जो पोचर्स हैं वो चले गए, वो छोड़कर चले गए. तो यहाँ पे लीव की हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे. बिकॉज हैड के साथ, हैज, हैव, हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे हैड लेफ्ट. भास्कर सडनली डैश हियर अ वॉइस. तो भास्कर ने अचानक से एक आवाज़ सुनी. तो यहाँ पे हियर की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? हर्ड, एच ई ए आर डी, हर्ड. आई एम हियर टू हेल्प यू. तो अब देखिए, ये जो सेंटेंस है इसमें हमने आई एम हेयर टू हेल्प यू, तो यहाँ पर हमने कौन सा प्रेजेंट टेंस यूज़ किया है? वाई. अब हमने यहाँ पर प्रेजेंट टेंस क्यों यूज़ किया है? बिकॉज ये जो सेंटेंस है ये इन्वर्टेड कोमास में है. तो इन्वर्टेड कोमास में जब भी कोई सेंटेंस होता है, वो जो स्टेटमेंट होती है, हम बिल्कुल एक्यूरेट, जैसे किसी भी पर्सन ने जिस टेंस को यूज़ करके वो स्टेटमेंट बोली है, तो हम सेम वैसे ही लिखते हैं इन्वर्टेड कोमास में. भास्कर ने अचानक एक आवाज़ सुनी कि मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए हूँ. तो भास्कर ओपनड हिज आइज. तो यहाँ पे हम ओपन की सेकंड फॉर्म लिखेंगे ओपनड. तो भास्कर ने अपनी आंखें खोली. एंड सा. तो यहाँ पे सी की सेकंड फॉर्म आएगी सा, एस ए डब्ल्यू, सा. एंड ओल्ड मैन कटिंग द रोप अराउंड हिज एंकल. भास्कर ने एक ओल्ड मैन को देखा जो उसके एंकल के अराउंड जो रोप बंधी हुई थी उसे वो काट रहे थे. ही वॉज डिलाइटेड. वह बहुत खुश हो गया. आपको इसमें कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करें. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, बाय बाय.